तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सब लोगों का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं खेलने वाला हूँ 15+0 रैपिड गेम बिटवीन 1600 टू 1900, और मेरा रेटिंग है 1600 56 सॉरी 52 इन रैपिड। तो आई होप मुझे प्लेयर जल्दी मिल जाएगा। तो ये मुझे प्लेयर मिल गया है। यहाँ पर मेरा रेटिंग है 1652, मेरा अपोनेंट का रेटिंग है 1602। तो मैं आज सिसिलियन खेलूँगा, पॉन टू C5, नाइट टू C6 इज़ अ मेन मूव। यहाँ पे पॉन टू D4 आता है तो ओपन सिसिलियन, बट प्लेइंग अगेंस्ट दिस बिशप डेवलप। सो यहाँ पे बेसिकली नाइट को फर्स्ट डेवलप करना चाहिए बिशप से पहले। तो पॉन पुश कैप्चर कैप्चर, ओके अटैकिंग द C4 बिशप। कैप्चर के कैप्चर, के हम डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ पे अगर कैप्चर आता है तो सिंपली बी कैप्चर ऑन C6। यहाँ पे रुक जो है वो E1 विथ चेक के साथ आ रहा है, सो बिशप टू E7। ओके अटैकिंग दिस नाइट ट्वाइस। तो बिशप टू B7, देन नाइट कैप्चर आ रहा है उसमें। यहाँ पे बेसिकली बिशप को देना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं खेल सकता हूँ क्वीन टू। C2, बट बिशप को डेवलप ही कर लेते हैं। इनकेस ऑफ नहीं मारता है तो रुक भी जो डेवलप हो जाएगा ऑन C8 पे। ओके नाउ आई थिंक कैसल कैसल जो है बेस्ट मूव है यहाँ पे ब्लैक के लिए। केस ऑफ कैप्चर तो बिशप कैप्चर कर दूंगा। ओके बिशप से मारना पड़ेगा, अगर पॉन से मारोगे तो G5 जो है ओपन हो जाएगा। बट अटैक करने के लिए मुझे G5 तो मिल जाएगा, बट उस केस में क्या होगा कि मेरा किंग जो है वो भी थोड़ा अनसेफ हो जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे लिए, बिशप कैप्चर और पॉन कैप्चर। तो बिशप कैप्चर खेलता हूँ, तो पॉन कैप्चर खेलता हूँ, पॉन कैप्चर नाइट खेलता हूँ। तो ये जो मेरा बिशप है वो इस डायगोनल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सो बेटर यहाँ पे बिशप से ही कैप्चर कर लेते हैं। ओके इस पॉन को हम इजीली टारगेट कर सकते हैं, बट उसका यहाँ पे रुक जा रहा है बिशप कैप्चर ऑन B2। उसके बाद उसका रुक जा रहा है, उसने मिस कर दी। यहाँ पे मारना नहीं चाहिए था उसको, बट एनीवेज मेरा अपोनेंट मार दिया है। तो हम जो अपोनेंट का लास्ट मौका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे ही रुक को विन होने जा रहे हैं। यहाँ पे हम बेसिकली एक्सचेंज अप हो गए। ओके okay.
पहले फोर्क लगाते हैं। यहाँ पे नाइट पर भी अटैक है एंड पॉन पर भी अटैक है। ओह नो, यहाँ पे दोनों को भी बचा सकता था बट यहाँ पे पॉन को दे दिया गया है। यहाँ पे अगेन दूसरा पॉन भी जा रहा है। नहीं, इसको मैं कैप्चर कर रहा हूँ तो रुक कर रहा है ऑन C1 एंड ये जो मेरा C6 का पॉन है वो चला जाएगा। तो मेरा दोनों रुक्स है वो काम नहीं कर रहे गेम में। तो पहले डेवलप द रुक्स, यहाँ पे मुझे ध्यान रखना चाहिए अगर नाइट, या मैं वही सोच रहा था यहाँ पर चेकर मेट का थ्रेट है। सो पॉन पुश, अगर मैं G6 खेलता हूँ तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पे क्वीन जो है G7 पे मेट आ जाएगा। सो F6 इज लुकिंग लाइक बेटर मूव। यहाँ पे चेक भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा मेरी क्वीन जो है वो गार्डेड है E7 स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे वन पेयर ऑफ रुक्स को यहाँ पे रुक्स पेयर को एक्सचेंज करना चाहता हूँ। उसके बाद विनिंग जो है वो सिंपल हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे Rook2 E2 मुझे लग रहा है शायद बेटर मूव है क्योंकि अटैकिंग ऑन C2 एंड ऑल्सो F2। बट उस केस में नाइट कहीं भी जंप नहीं हो रहा है। सो लेट्स प्ले Rook2 E2। F2 पे प्रेशर है एंड C2 पे प्रेशर है। ओके, क्यों पीस का सेक्रीफाइस, क्यों यहाँ पे कैप्चर एंड कैप्चर। तो उसके बाद F2 तो डिफेंड हो जाएगा बट यहाँ पे परपेक्चुअल आ रहा है। सो अगर मैं इस नाइट को कैप्चर करता हूँ तो कैप्चर एंड उसके बाद चेक यहाँ से आ रहा है। तो मैं किंग को यहाँ पे ला सकता हूँ तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ F2 इज गार्डेड बट मेरे पास जो Rook2 F8 मूव है उसके बाद यहाँ पे चेक भी पॉसिबल नहीं है। चेक यहाँ से भी पॉसिबल नहीं है, तो चेक यहाँ से भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, Rook2 F8 अगेन यहाँ पे प्रेशर है ऑन F2 पे इन केस ऑफ क्वीन कैप्चर H6 आता है। तो ओके, उसने रिजाइन ही कर दिया। पता है यहाँ पे मिस्टेक कहाँ हुआ है मेनली। ये सब सही था, ये जो मैंने बात किया था यहाँ पर बिशप से कैप्चर करना वो ठीक है बट उसने ब्लंडर कर दी यहाँ पे D टेक ऑन C5 कर दिया क्योंकि उसने नहीं देखा था B2। ओके, जो गेम का बहुत ही ब्लंडर था और उसके बाद इजी विनिंग था।
यहाँ पे स्पॉन को भी डिफेंड कर सकता था लाइक नाइट टू b3, बट उसने शायद मुझे चेकमेट करना चाहता था लाइक नाइट टू f5 एंड क्वीन टू क्वीन टेक ऑन g7 चेकमेट. सो f6 इज़ द राइट मूव. तो उसके बाद मैंने सब डिफेंड कर ली. तो उसके बाद यहाँ पे एक पीस सेक्रीफाइस. तो यहाँ पे मैंने सोचा कि परफेक्ट चल चेक तो नहीं आ रहा है, सो आई एक्सेप्ट इट. एंड उसके बाद यहाँ पे रुक टू या फिर जो मूव था वो खिलर था, क्योंकि यहाँ पे एफ टू पे तीन फ्रेशर तीन अटैकर जो आ गए, सो उसने बेसिकली रिजाइन ही कर दी. सो यहाँ पे पॉन कैप्चर पॉन करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे फाइल ओपन होते रहता है और डायगनल भी ओपन होता रहता है. इनकेस ऑफ पॉन कैप्चर पॉन, अगर पॉन पुश करते हो तो आप ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा डायगनल ओपन हो रहा है और कौन सा फाइल जो है वो, कौन सा फाइल एंड रैंक जो है वो ओपन हो रहा है. सो दैट्स इट, एंड अगले वीडियो मिलते हैं. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. सब्सक्राइब करना मत भूलिए. प्लीज़ सब्सक्राइब टू चेस लाइफ फॉर मोर वीडियोज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.